नमस्कार दोस्तों, धनाधन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम मुकेश गुप्ता और आज हम बताएंगे बगहा वीर बाबा की कहानी कि वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगी जाए तो यहाँ पूरी जरूर होती है। तो दोस्तों, ये 19वीं सदी की बात है जब आमी ताल के आसपास जंगल हुआ करता था और आसपास रोड नहीं हुआ करते थे। जैसा कि आप कौड़ी राम से गोरखपुर रोड से जाते हैं, वो रोड नहीं हुआ करती थी, वो पगडंडियाँ हुआ करती थी और आमी ताल के पीछे आगे पीछे वो जंगल हुआ करते थे। वहाँ लोग गाय भैंस या बकरियाँ चराने के लिए आया करते थे, जिनमें से बगहा वीर बाबा एक थे जिनके गाय और बछड़े कई थे वहाँ चरते थे। तो वो उनके अनजाने में वो शेर आता था और बछड़े को खा जाता था और ऐसा 2-3 दिन तक करता रहा शेर। जब शेर 2-3 दिन तक बछड़े को खाया तो बाबा को वो शक हुआ और तीसरे दिन बाबा तैनात भी थे। और जब चौथे दिन वो शेर खाने के लिए बछड़े को आया और बछड़े को जब पकड़ा गले से तो बछड़े ने आवाज़ लगाई और चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो बाबा जी के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची तो बाबा जी जाकर शेर से भिड़ पड़े और भिड़ने के बाद उसको भी मार डाला और खुद भी मर गए। तब से उनका नाम बगहा वीर बाबा पड़ गया और वहीं से दोस्तों बगहा वीर बाबा का नाम पड़ा। तो अब उनका मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जब आप कौड़ी राम से गोरखपुर जाएंगे तो उसके बीच में बगहा वीर बाबा का मंदिर पड़ता है और मंदिर के बगल में ही एक पुल बन रहा था अंग्रेजों वाला। और अंग्रेज वाला जब पुल बन रहा था तो गिर जा रहा था और कहीं ना कहीं क्षति हो जा रही थी, नुकसान हो जा रही थी और कितने लोगों को चोट लग जा रही थी और बार बार वो पुल गिर जा रहा था दोस्तों। तो किसी ने सलाह दी कि ये जो बगहा वीर बाबा हैं इनका एक पिंडी बनाया जाए और पिंडी बना के रखने के बाद वो जब पुल बनाया गया और जब पुल तैयार हो गया तब वो पुल नहीं गिरा दोस्तों, तो पिंडी बना दिया गया और पिंडी बनाने के बाद उसी की पूजा होने लगी। लोग दूध चढ़ाने लगे और उनकी पूजा भी करने लगे। तो एक खजुराहो यादव करके थे पंडित जी, तो उनकी वो मूर्ति की स्थापना किए थे और वो मूर्ति की स्थापना करते करते वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और लोग वो मन्नत आके मांगने लगे और उनकी मन्नतें पूरी भी होने लगी दोस्तों। और लोग बताते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और मन्नत मांगी थी कि बगहा वीर बाबा हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो 51 किलो लड्डू का प्रसाद हम आपको चढ़ाएंगे। और वही हुआ दोस्तों, अंत में उन्होंने 51 किलो लड्डू लेकर आए थे और कई डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था। तो ऐसे हैं बगहा वीर बाबा दोस्तों कि सच्चे दिल से इनकी पूजा की जाए और सच्चे दिल से मन्नत मांगी जाए यहाँ तो पूरी जरूर होती है। और भी इसी तरह के लेटेस्ट कहानियाँ जानने के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम इसी तरह आसपास